सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश मर्दानी में। और हमारे आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे देश की पहली महिला ट्रैप शूटर जिन्होंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, और वो है शगुन चौधरी। आप और हम सब जानते हैं कि किसी भी कार्य का शुभारंभ हम शगुन के साथ करते हैं। हमारे देश में शगुन की परंपरा है। अब अगर किसी का नाम ही शगुन है तो फिर तो शुभ शुभ होना ही है। ऐसा ही कर दिखाया शगुन चौधरी ने। महज 2 साल की उम्र में ही बंदूक थाम ली थी और पिताजी सुशील चौधरी के साथ शूटिंग रेंज जाने लगी। पिताजी को निशाना लगाते देखती और खुद भी अपनी टॉय गन से निशाना साधने की कोशिश करती। पिताजी को बस उसी समय लग गया कि बिटिया को शूटर बनाना है। शूटिंग इन माय ब्लड, जी हाँ, वो साफ कहती हैं कि शूटिंग तो उनके खून में है। जी, शूटिंग को चुनने बेसिकली मैं सबसे ज़्यादा महत्व मेरे डैड को जाता है, और उन्होंने मेरे को इस स्पोर्ट की पुश किया। और जब मैं जयपुर में MGM पढ़ रही हूँ, और जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, उन्होंने कहा वहाँ तुगलकाबाद रेंजेस तब थी, तो उन्होंने जाके मेरे को बोला कि आप बाहर ट्राई करो और अगर आप पसंद आए तो आप इसकी आप लग जाओ। तो बस यही हुआ। उसके बाद शगुन के करियर को उस समय पंख लग गए जब जयपुर में शूटिंग रेंज बन गई और खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें गन दी। शगुन के करियर का ये वो दौर था जब शगुन अपने शूटिंग के गुर सीख रही थी। तब उनके पिताजी सुशील चौधरी ने जयपुर में शूटिंग रेंज का प्रस्ताव मुख्यमंत्री राजे को दिया, और मुख्यमंत्री ने उनके प्रस्ताव को मानते हुए जयपुर में शूटिंग रेंज बनाने का काम शुरू कर दिया। मेडल्स नेशनल लेवल पे जीतने लगे, तब वसुंधरा जी ने मेरी बहुत ही मदद की, और ये रेंज भी जो जिसपे ये भी उनके मार्गदर्शन के अंडर ही बनी है। और मेरे पिताजी टाइम कंसल्टेंट रहे थे जिन्होंने ये रेंज की सब बनाई, और वसुंधरा जी ने को मेरी पहली बंदूक और पहले कार्ट्रिजेस दिए जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकी, और मैं उसी बंदूक से मैंने ओलंपिक्स का कोटा जीता और उस बंदूक से मैंने ओलंपिक्स लंदन में चलाया। शगुन का ये कहना वाकई साबित करता है कि उनका जुनून बेवजह नहीं है। उन्होंने कर भी दिखाया है। देश की पहली महिला शूटर है जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया। जी हाँ, लंदन ओलंपिक में शगुन ने हिस्सा लिया। 2003 में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया जिसमें चाइना को बीट करके ब्रॉन्ज मेडल भी जीता इंडिया के लिए। उसके बाद आई वाज नॉट लुकिंग बैक। ऐसा नहीं है कि कठिनाइयों ने शगुन का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि शगुन डबल ट्रैप की तैयारी कर रही थी और उसे ही ओलंपिक में शामिल करने से मना कर दिया गया। शगुन की लाइफ का ये पहला ब्रेकर था जिसे शगुन ने पार कर लिया। उन्होंने फिर से कड़ी मेहनत की और अपने शूटिंग इवेंट को चेंज किया। यहाँ भी उसे पिताजी का भरपूर सपोर्ट मिला। एशियन क्ले चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शगुन ने कभी हार नहीं मानी और फिर से तैयार हो गई। परिणाम देखिए कि क्वालिफाई राउंड में 4th स्थान हासिल कर लंदन ओलंपिक का टिकट अपनी झोली में डाल लिया। जी, बेसिकली एक फोकस होना चाहिए एंड अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल की जिद पकड़नी की बहुत जरूरी है। हम किसी से कम नहीं है, और अगर किसी चीज को बेसिकली एंड प्रोग्रेसिव वे में चले
बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये मैं दूसरी लड़कियों को भी बताना चाहूँगी कि जो भी आप करें, जिस फील्ड में भी आप जान के उससे आगे बढ़ें, और क्या नहीं है जो आप नहीं छू सकते। नहीं, आपसे जो जूनियर्स हैं वो मेरे पास आते हैं और टिप्स भी लेते हैं, हमारे राजस्थान जूनियर्स हैं वो भी आते हैं, और मैं जब भी मैं रेंज पे होती हूँ तो मैं अपनी शूटिंग के उनको ज़्यादा गाइड करती हूँ, क्योंकि वो सही रास्ते पे इनिशियली जो स्टेपिंग स्टोन्स हैं वो अगर ठीक हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। अगर आप पहले ही मतलब राइट पाथ पे नहीं चले, फिर और तंगी और बहुत टाइम लगता है। ऐसी राजस्थान के शूटर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, एंड द जूनियर जैसे अनंत नरूका है, विवाह कपूर है, ये बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, एंड आई थिंक नेक्स्ट 5-10 ईयर्स और समथिंग आप डेफिनेटली इंटरनेशनल मेडलिस्ट इन द सीनियर टीम ज़रूर देखेंगे। लोग सफलता के पर्याय बन जाते हैं, शगुन भी उन्हीं में से एक है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत को शगुन ने एक नई पहचान दी है। शगुन के लिए ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन मम्मी और पापा के सपोर्ट ने उन्हें आगे बढ़ने के रास्ते दिखाए। 2003 में एशियन क्ले चैंपियनशिप से शुरू हुआ सफलता का दौर आज भी बदस्तूर जारी है। वो अभी दिल्ली, जयपुर और विदेशों में शूटिंग की तैयारी कर रही हैं। उनका लक्ष्य है रियो ओलंपिक। वो पक्का इरादा कर चुकी हैं कि गोल्ड मेडल ही लाना है। जी, मेरी बेसिकली ट्रेनिंग जो इंडिया में होती है, अब दिल्ली में होती है, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, और कि मेरी ट्रेनिंग अब्रॉड रहती है, क्योंकि हमारे पास इतने क्वालिफाइड कोचेज और वो सब नहीं है, तो एंड फैसिलिटीज नहीं है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ रेड टेप एज फार एज गन्स एंड एम्युनिशन इज कंसर्न। ना कुछ फाइलें फंसी रहती है, वो कारतूस नहीं आते, गन्स की बात करते हैं, व्हाटएवर, तो इसलिए हम बिकॉज एथलीट्स जो ओलंपिक्स में जा चुके हैं, तो हमारे को बेसिकली टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस अननेसेसरी जो लोग इसमें बीच में गोचे डाल देते हैं, उसे दूर रहने के हमारे तक यही बेहतर रहता है कि अपने पीसफुली बाहर जाके ट्रेनिंग करें। बिल्कुल जी, अभी मेरे लास्ट क्वालिफिकेशंस हैं, जो कोटा प्लेसेस हैं लोगों के लिए वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, एक लास्ट चांस और, तो अभी मेरी तैयारी उसी की तरफ जुटी हुई है कि के बाद रियो के लिए एक बार क्वालिफाई वापस होने के लिए तो हो चुके थे, अब रियो की तैयारी है, और उसमें देन वंस दैट क्वालिफिकेशन ओवर देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर फॉर दैट। अगर मैं रियो ओलंपिक्स तक पहुंच जाऊंगी, जो मैं अब डेफिनेटली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग, देन आई विल डू माय बेस्ट टू गेट अ मेडल फॉर राजस्थान एंड इंडिया। रियो ओलंपिक्स की तैयारी के लिए आई एम गेटिंग, आई गॉट फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इन विच माई परफॉर्म फॉर माई एशियन चैम्पियनशिप जो अभी हुई, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छा था, मैं फाइनल से से चूक गई थी, तो अब मैं फिर तैयारी शुरू करूंगी कि लास्ट क्वालिफायर के लिए डेफिनेटली, एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट होएगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी आई विल रिक्वेस्ट देम इफ दे कैन सपोर्ट द सेम, ताकि मेरी ट्रेनिंग में कोई अड़चन नहीं है। शगुन को खुद पर नहीं बल्कि अपने पिता पर नाज है कि उन्होंने उसे मौका दिया, और वो भी उस कंडीशन में जब प्रदेश में आज भी लड़कियों के लिए ढेरों बंदिशें हैं। जी, लड़की अब हम अब देख रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स में आप ले लीजिए, जैसे मैरीकॉम है, साना नेहवाल है, जो काम पर पहुंच, अगर ये अवेयरनेस हम माता पिता को दे दे कि बस लड़के ही नहीं पर लड़कियां उनसे उनकी जितनी या उनसे ज्यादा भी पा सकती हैं, तो वो तो ये जो गांव और सब में ये या शहरों में भी जब चाइल्ड डेथ होती है तो कम हो जाएगी, और क्योंकि बेसिकली अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस अभी भी माना जाता है दैट वी आर इन अ डोमिनेटेड सोसाइटी, जो ख़त्म हो रही है, एंड मोर एंड मोर गर्ल्स आर कमिंग इनटू द फ्रे डिफरेंट फील्ड्स, जाके चाहे आप स्पोर्ट्स ले लो, बिजनेस ले लो, हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद ही महिला हैं, तो इन अचीवमेंट्स को देखते हुए लड़कियाँ कोई कम नहीं हैं, और इन अवेयरनेस ही लोगों का की वो थिंकिंग बदलेगी।
इधर शगुन के पिता तो अपनी बेटी को वरदान मानते हैं। ऐसा है कि मैं तो शुरू से ही ये लड़का और लड़की में जो कोई फर्क है ये कभी नहीं समझा, और मुझे तो अच्छा लगा शगुन इन्वॉल्वमेंट शूटिंग की तरफ मुझे देखते हुए, ताकि मैं इसको और आगे प्रोत्साहन दूं और उसको एक्सपोजर दूं। हाँ, ये सही बात है कि आमतौर पर लड़कियों को इतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता और ना ही लोग चाहते हैं, एस्पेशली ये हमारी जो कम्युनिटी में भी ऐसा थोड़ा बहुत रहा है। लेकिन मैंने ये सोचा कि शगुन में हुनर है और मैं इसको जितना अवसर दे सकूं और जितना आगे बढ़ा सकूं इसके अंदर और बढ़ाया, और इसने जो मैं चाहता था मेरे शूटिंग के ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर कर्णी सिंह जी के साथ, एक मेरा सपना था ओलंपिक जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली मैं तो कभी इंटरनेशनल भी नहीं पाया और शगुन ने जिसको पूरा किया, तो मुझे गर्व है मेरी बेटी पर। ये थी हमारी खास पेशकश मर्दानी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और मिलवाएंगे आपको सफलता की एक नई कहानी से। तब तक के लिए नमस्कार। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी।